हेलो, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों, यहाँ पर हम हाइड्रोजन गैस बनाना सीखेंगे। तो चलिए, हाइड्रोजन गैस हम घर पर कैसे बना सकते हैं? आपको पता है हाइड्रोजन गैस क्या होती है? बहुत ही ज्वलनशील होती है। अक्सर आपने देखा होगा जो गुब्बारे बेचते हैं लोग, वो गुब्बारे हवा में जो उड़ते हैं उसमें हाइड्रोजन गैस भरी होती है। तो वो गैस हम बनाएंगे कैसे? तो चलिए, उसके लिए क्या करेंगे, मेरे पास है कास्टिक सोडा। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या कास्टिक सोडा लिखा हुआ है। थोड़ा सा कास्टिक सोडा इस्तेमाल करेंगे। चलिए, कैसे करेंगे वो अभी हम देखते हैं। हमारे पास थोड़ा सा पानी है, इस पानी का भी हम इस्तेमाल करेंगे। चलिए, तो ये है हमारे पास एक कांच का बर्तन। ठीक है, क्या करेंगे, इस कांच के बर्तन में हम थोड़ा सा सबसे पहले क्या डालेंगे, पानी। तो पहले हम इसमें पानी डाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इसमें पानी डाल दिया। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे हमने क्या हुआ, यहाँ पे हमने यहाँ तक पानी इसमें भर दिया। अब क्या करेंगे, पानी भरने के बाद इसमें हम थोड़ा सा डालते हैं कास्टिक सोडा। तो चलिए, इसको थोड़ी देर के लिए, ये तो ऐसे होल्ड करना पड़ेगा। चलिए, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। सबसे पहले इसमें से थोड़ा सा हम कास्टिक सोडा निकाल लेते हैं, क्योंकि कास्टिक सोडा हमको डालना पड़ेगा। तो चलिए, इसमें से हम थोड़ा सा कास्टिक सोडा निकालते हैं। ये पैक थोड़ा बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसमें से हम थोड़ा सा कास्टिक सोडा निकालते हैं। आप देखिए इसमें कास्टिक सोडा किस तरह से है, आप देखेंगे तो इसमें ये इस फॉर्म में ऐसे पड़ा हुआ है। तो इसमें से थोड़ा सा कास्टिक सोडा निकाल के इसमें डालते हैं। तो चलिए, थोड़ा थोड़ा करके हम कास्टिक सोडा इसमें डालते हैं। आप देखते रहिए, बहुत ही आराम से यूज करिएगा, क्योंकि अक्सर ये हाथ में जलता है। ठीक है, तो कास्टिक सोडा हम डालते हैं, पानी के साथ रिएक्ट होगा तो ये हाथ में जलेगा। बहुत ही सावधानी से, हालांकि मैंने डायरेक्ट हाथ से ही टच कर दिया है, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब कर दिया है तो कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इतना कास्टिक सोडा इसमें डाल दिया है। ठीक, अब मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने रख दिया कास्टिक सोडा, मैंने कास्टिक सोडा इसमें डाल दिया है। अब क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे क्या, एल्युमिनियम फॉयल। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डालेंगे एल्युमिनियम फॉयल। ये है मेरे पास थोड़े थोड़े एल्युमिनियम फॉयल, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एल्युमिनियम फॉयल है मेरे पास, दो चार टुकड़े मैंने। ये एल्युमिनियम फॉयल आपको किसी भी किराने की दुकान पर मिल जाएगा। तो ठीक है, ये हम इसमें डालते हैं, थोड़े थोड़े टुकड़े आप इसमें इस तरह से डाल देंगे। ठीक है, डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा इसमें हिला देते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, मिलाने के बाद इसको हम ऐसे ही रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। आप देखेंगे थोड़ी देर बाद इसमें हाइड्रोजन ये रिएक्ट जब करेगा, आप देखेंगे यहाँ पे जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो यहाँ से धीरे धीरे इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलने लगेगी। थोड़ा सा समय लगेगा, आप देखेंगे धीरे धीरे यहाँ से बुलबुले स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे धीरे धीरे ये बुलबुले स्टार्ट हो रहे हैं। आप देखेंगे इसमें से धीरे धीरे धुआं भी निकल रहा है, उम्मीद करता हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा, धुआं इसमें से निकल रहा है धीरे, हल्का हल्का, देखिए निकल रहा है ना। ये जो चीजें निकल रही है क्या है, अब हम पता कैसे करेंगे कि ये हाइड्रोजन गैस है या नहीं? तो क्या करेंगे, हम यहां पे हल्का सा इसको फायर लगा के इसमें टेस्ट करेंगे। तो पॉप की आवाज हुई, आपने देखा यहां क्या हुआ, फटाक से इतनी तेजी से जो आग पकड़ती है वो हमारी हाइड्रोजन गैस ही होती है। ये देखा आपने, देखिए किस तरह से चल रहा है। तो इस तरह से हम अपने घरों पे हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। उम्मीद, अब यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं, ये जो बर्तन है ये बहुत ही हीट हो चुका है, बहुत ही गर्म हो चुका है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जब बनती है तो हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, हाइड्रोजन गैस हम घर पे कैसे बना सकते हैं। एक बार बहुत ही सावधानी पूर्वक आप इसका प्रयोग करेंगे, हालांकि आप नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि रिएक्शन की सारी वीडियो मैं आपको यहाँ पे सिखाता रहूंगा, दिखाता रहूंगा। तो चलिए, आज के लिए पसंद नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।